तो दोस्तों फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन मेरे को पुस्तक मेला वालों ने चीफ गेस्ट के तौर पे आमंत्रित किया है। तो इस पद पे बैठ के बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों, कांटों से भरा हुआ नहीं, गद्दीदार सॉफ्ट सॉफ्ट से भरा हुआ है, तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर आके। क्या भाई अब तुम भाई चल चल हाँ चल चल क्या क्यों 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 उठू भाई, भाई समेटना है सब समझ क्या, चलो चलो चल चल। अरे आप यहाँ पर काम करने वाले हो? नहीं भाई वो वीडियो में सुनो 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 आओ आओ वो वीडियो में बताओ कि मैं चीफ गेस्ट सच्ची में हूँ। नहीं नहीं चीफ गेस्ट नहीं है, ऐसे ही हम झाड़ू के लिए बुलाए थे, आ गया बेचारा। चलो चलो बहुत घटिया एक्टिंग दोस्तों, ठीक है रिकॉर्ड ही चिकनी। अरे सर सर नमस्ते सर, सर बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर आपके टीचिंग का, मैंने क्लास 10th 11th 12th सब आपके बदौलत पास किया है सर, सर सब्सक्रिप्शन भी लिया था सर। सर आपके पैर कहाँ हैं सर? ओ पोस्टर है क्या? ओ कट। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने और चेहरा पढ़ने की किसी के औकात नहीं है दोस्तों, हर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है। अरे यार दोस्त लोग ऐसा होते हैं दोस्तों, क्या कर रहा है भाई। अरे रुक वीडियो बना लेने दे भाई। हेलो गाइस वेलकम बैक टू द ब्लॉग, तो आज हम कवर करने आए हैं बुक फेयर का माहौल दोस्तों। तो बहुत दिनों से एनुअल फंक्शन का प्रैक्टिस चल रहा था, दोस्तों का बर्थडे, एनुअल स्पोर्ट, सब कुछ खत्म हो गया दोस्तों, और आज आखिरी दिन बचा था दोस्तों ये कवर करने के लिए, आई मीन बुक फेयर आने के लिए। तो हमारे बरगढ़ में तो ये है बुक फेयर जो है धनु यात्रा का टीजर दोस्त, मतलब यहाँ पर जितना भीड़ होने वाला है इससे इनटू 100 क्रिंज नहीं इनटू 100 भीड़ जो है वो धनु यात्रा में होने वाला है। मैं बहुत धनु यात्रा कर रहा हूँ, आने दो बताते हैं। तो आज भीड़ में हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा ये प्रैक्टिस हो रहा है, वार्म अप हो रहा है उस दिन के लिए जिस दिन बहुत ज्यादा भीड़ होने वाला है दोस्तों। दिस इज बुक फेयर यानी कि पुस्तक मेला, यानी कि सिर्फ पुस्तकें ही पुस्तकें हैं। दो टाइप के शॉप्स होते हैं, एक ये जहाँ पर ओपन शॉप्स होते हैं, डायरेक्ट आप लोग जा सकते हो और बुक देख सकते हो, खरीद सकते हो अगर आपको खरीदना है तो, वरना आए हो घूम के खा पी के चले जाओ, बाहर में खाना खाने का भी स्टॉल्स है वो बात अलग है। और मेरे पीछे जो है दोस्तों ये वाले थोड़े प्रीमियम लेवल के शॉप्स हैं जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा भीड़ होता है, क्योंकि ये रिलायंस मार्ट की तरह दिखते हैं, इनके अंदर गहराइयाँ हैं, तो सब कुछ है, हैरी पॉटर है, आओ क्या क्या बुक मांगकर ना जिन जगह बता दो, गुलिवर्स ट्रैवल, नॉवेल्स वगैरह, कविताएँ, सब कुछ है दोस्तों। ये एजुकेशन से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं और ये इन खुले वाले शॉप्स में माइथोलॉजी और छोटे बच्चों का के रिलेटेड बुक ज्यादा होता है। तो दोस्तों पुस्तक मेला जो होता है, पुस्तक मेले के पूरे सेंटर में ये स्टेज बना हुआ है दोस्तों, जो कि सारे प्रोग्राम्स खत्म हो चुके हैं। जब तक पुस्तक मेला होता है, जब तक बुक फेयर होता है, हर दिन यानी कि 8-10 दिन तक हर दिन एक एक प्रोग्राम होता है दोस्तों, यानी कि हर एक हमारे बरगढ़ के सारे कॉलेज और स्कूल वाले आके अपना अपना कल्चरल इवेंट्स, अपने अपने क्विज प्रोग्राम, बहुत सारे ऐसा एजेंडा बना के कंडक्ट करते हैं। देख दूरे दूरे लोग भाग खेले टीके कॉन्फिडेंस रहा ऐसी ला याद टिके ना हो। तो छोटे बच्चों से लेके यानी पैदा हुए बच्चों से लेके मरते हुए बूढ़ों तक हर लोगों के लिए अपने हिसाब से इधर आपको किताबें मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर ABCD से लेके BCOM BBA सब मिलेगा तुमको इधर दोस्त। मेरे पीछे एक पोस्टर खड़ा है और मैं पोस्टर के आगे खड़ा हूँ, ये पोस्टर तुम लोग देख सकते हो दोस्तों किसी चीज का प्रमोशन है, कौन सा चीज है मैं देख नहीं रहा हूँ, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या बोलना है वो चल रहा है, तो वो छोड़ो। पूरे पुस्तक मेला में, पूरे बुक फेयर में हर जगह ऐसे ही प्रमोशन है दोस्तों, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के, सारे बुक्स के, या फिर जो जो बुक लगा बुक स्टोर लगाए हैं उनके प्रमोशन बहुत बड़े लेवल में होता है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल में लोग भी आते हैं। तो दोस्तों हम लोग बुक फेयर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पे आ चुके हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है, मैं तो बचपन से यहाँ पर आता हूँ दोस्तों, मतलब जब भी मैजिक वाला शॉप लगता है या कोई भी मैजिक वाला शॉप लगे तो मैं यहाँ आता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे को बचपन से ही मैजिक देखने का शौक है, हर इंसान के अंदर बच्चा तो होता है दोस्तों, चाहे वो खुद ही बच्चा हो या बड़ा हो गया। तो हम लोग थोड़ा सा मैजिक शॉप में आ गए हैं दोस्तों, थोड़ा मैजिक देखते हैं, तो भैया हमको मैजिक दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों बहुत सारे टाइप्स के मैजिक है, ग्रीन कलर है, अच्छा ग्रीन कलर चेंज करेंगे, कलर चेंज हो जाएगा, अच्छा कलर चेंज हो जाता है। ओहो हो चैमिलियन दोस्तों, ये पिंक कलर है, पिंक कलर को चेंज कर दिया, आए हाय चेंज हो गया ये है। अरे दोस्तों आजकल के इंसान जैसे रंग बदलते हैं ये भी बदल रहा है दोस्तों, वाह वाह। दोस्तों बड़े बड़े मैजिक शो में भी ये वाला सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है दोस्तों, क्योंकि इसका एक सेपरेट सेगमेंट होता है और ये थोड़ा महंगा भी आता है, तो देख लो रस्सी है, हाँ रस्सी है, ये फूक लगाओ, फूक लगाएंगे
डंडा बन जाता है। ओ भाई पहली बार देख रहा हूँ दोस्तों, नहीं ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, मैं बहुत बार देख चुका हूँ। आई होप यहाँ तक एक ब्लॉग बन जाएगा। तो मेरे दोस्त लोग मेरे को बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन मेरी वजह से वो लोग घूम नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा अभी घूमी घूमी करेंगे दोस्तों, रोली में घूमी घूमी। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को हमारा बुक फेयर अच्छा लगा होगा। तो मैजिक शो, स्टंट, चीफ गेस्ट बनना, सारा चीज़, प्रमोशन वगैरह आपको कैसा लगा होगा आपको ज़रूर बताना। चलो चलो, 100 रुपये इनाम मिलेगा इसी में। ओह माय गॉड।